मेरठ के हस्तिनापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही एक्ट्रेस अर्चना गौतम को लेकर चौतरफा चर्चा है। मिस बिकिनी और मिस यूपी रह चुकी अर्चना की बोल्ड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपील करते हुए कहा कि मेरा लोगों से अनुरोध है कि वो मेरे एक्टिंग करियर को मेरे राजनीतिक करियर से ना जोड़ें। जी, पहली बात तो देखिए, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और ये मेरी राजनीति लाइफ है। तो क्या है कि कुछ लोग हैं जो देखिए दोनों को एक कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ, वो मेरा काम था, वो मेरा प्रोफेशनल था कि मैं एक्टिंग कर रही थी और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो कोई भी, अगर हम पहले पीछे की चीज़ें पे जाएं, प्रियंका चोपड़ा जी ने भी बिकिनी पहनी थी, उन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से मैंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि दोनों कामों को मेरे अलग अलग रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। बता दें, कांग्रेस ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें मेरठ की हस्तिनापुर सीट से फिल्म अभिनेत्री अर्चना गौतम को प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का हाथ थामा है। अर्चना बॉलीवुड के अलावा तमिल, तेलुगु फिल्मों और कई टीवी प्रिंट विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।